वन विभाग हमीरपुर ने विरोजा दोहन मामले में दो ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। एक और मामले में ठेकेदार बिना अनुमति के विरोजा दोहन किया गया तो दूसरे मामले में वन विभाग के द्वारा विरोजा निकालने के लिए ठेकेदार का पहले परमिशन दिए जाने और काम करने के बावजूद भी परमिशन रद्द किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ठेकेदार के ऊपर वन विभाग द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। DFO हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि बिना परमिशन के विरोजा दोहन करने वाले के खिलाफ विभाग सख्ती से निपटेगा। गौरतलब है कि वन विभाग हमीरपुर के नाल्टी बीट में कई दर्जन चीड़ के पौधों से बिना अनुमति के विरोजा निकालने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और छानबीन शुरू कर दी है। DFO हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि एक मामले में ठेकेदार ने बिना अनुमति के विरोजा निकाला गया है, जिसकी जांच विभाग करवा रहा है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उसमें एक्चुअली में दो बंदों की कंप्लेंट्स थी। एक जो था, जब उसकी वहां पे चेकिंग की गई थी, उसने अप्लाई किया हुआ था हमारे पास रेजिन की परमिशन लेने के लिए, रेजिन एक्सट्रैक्शन की, तो उसकी परमिशन जो थी वो डिस्कार्ड कर दी गई थी क्योंकि उसके पास जितना एक रिक्वायर्ड नंबर था पेड़ों का उसके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो लेकिन उसने इन एंटिसिपेशन फॉरेस्ट में काम शुरू कर दिया था अपने प्राइवेट लैंड में विरोजे का, तो जैसे वो विभाग के ध्यान में आया था तो उसके काम को डिसकंटिन्यू करवा दिया गया था और उसको मना कर दिया था कि वो दोबारा से पत्तियां नहीं लगाएगा। वो तो जैसे ही ध्यान में आया था एकदम से मामला जो था वो एकदम से विभाग ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया था। दूसरा जो केस है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको परमिशन मिली हुई है, बट उसने परमिशन से बढ़ के कुछ 16 पेड़ों पे उसने अनऑथराइज तरह से पत्तियां जो है इसकी विरोजे की लगा के रखी हुई थी। वो भी मामला हमारे ध्यान में आ गया है। उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है पूरे साल, जो उसने अब विरोजे का सीजन बंद हो चुका है, 15 नवंबर तक होता है इसका सीजन, तो पूरी जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। उस पर जितना भी विरोजा, जितनी उसको परमिशन मिली है उससे अधिक पाया गया वो सारा का सारा हम सीज करेंगे और बाकी भी रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या पहले भी कभी ये किसी इस तरह के काम में इन्वॉल्व रहा है कि नहीं, तो बेस्ड ऑन दैट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ भी हम फिर एक्शन लेंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा। कोई बंदा जैसे अभी अगर इसका पहला ये ऑफेंस है, कभी इस तरह के ऑफेंस में ये शामिल नहीं हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा विरोजा है वो सीज कर देंगे। जो भी डैमेज इसने उन ट्रीज को किया हुआ है वो कैलकुलेट करके इसको डैमेज बिल इशू किया जाएगा, जिसको इसको गवर्नमेंट उसमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट फंड में। लेकिन मान लीजिए अगर ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो देन इसके खिलाफ इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल तक होने की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है, अगर ये पाया गया कि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी ऐसा करता रहा है।